नहीं। बर्थडे पे रसगुल्ला खिलाते हैं, पांतुआ खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, उसे जूता खिला रही हूँ। तुम्हें भी बर्गर चाहिए? पहले बार गू खाया था और इस बार काउ का गू है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट फैक्ट। आज मैं आपके साथ फिर से एक अतरंगी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। नहीं। आज मैं 24 घंटा अजीब और गरीब रियलिस्टिक वियर्ड केक्स खाने वाली हूँ और पेट पूजा करने वाली हूँ। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आप चाहते हो मैं ऐसे अतरंगी चैलेंज और करूं, तो इस वीडियो को एटलीस्ट 30K, सिर्फ और सिर्फ 30K लाइक दे देना, क्योंकि इतना केक खरीदते खरीदते ना मेरे पॉकेट में ना इतना बड़ा सा होल हो गया है। तो चलो और ज्यादा बतौलाबाजी के बिना हम लोग जाते हैं और सुबह का पहला जो ब्रेकफास्ट है उसको करते हैं। सुबह सुबह हमारे पास ब्रेकफास्ट के लिए है ये खतरनाक ब्रेन। क्या आपको बिल्कुल रियल ब्रेन के जैसे नहीं लग रहा है? मतलब इसको देखने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे पता नहीं मैं इसे खाऊं कैसे। खाना तो दूर की बात है, मैं डरू की उल्टी करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई स्वेयर। By God, इसको खाके मुझे पता नहीं कि ज़ॉम्बी जैसा फीलिंग आ रहा है बहुत ज्यादा। खतरनाक केक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खून लग गया मेरे मुंह में। जो नर्व होता है ना मिडिल से जाता है ब्रेन के बीचों बीच, वो नर्व भी दिख रहा है। सच बता रही हूँ, ये खाने में बहुत बढ़िया है पर इसको खाते वक्त मुझे जो फीलिंग हो रहा है ना वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही गंदा नहीं है, बहुत ही डरावना है। नेल्स देख रहे हो, कल मैं एक वीडियो बना रही थी उसी का ये नमूना है। कुछ नेल्स निकल चुका है, मैं तियाशा के घर जाने से पहले ये सारे नेल्स को निकाल दूंगी, निकाल के नेल पॉलिश पहन के फिर जाऊंगी। तो बता देती हूँ क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि अचानक से नेल्स चेंज कैसे हो गया है, तो इसलिए बता दूं सुबह सुबह का ये है ना, पूरा दिन बाकी है मेरे दोस्त। मेरे हाथों पे खून लग गया है, खून, इंसानी ब्रेन से निकला हुआ खून। Few moments later, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना। तो इस बार इंसानों के गुने ही, बच्चों का गुने, सीधा सीधा गाय का गोबर लेके आई हूँ। आप तो जानते हो मेरे और गू के बीच कुछ अलग ही बंधन है। ताजे ताजे काले काले रंग के गोबर से करेंगे। गोबर में ना बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं क्योंकि गाय तो वेजिटेरियन है ना, सिर्फ घास फूस ही खाता है, तो सारा विटामिन मिनरल सब इसी में है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। You know what I mean? Yes. खूब टेस्टी, खूब टेस्टी। आपको अपने बर्थडे पे ऐसे ही गोबर वाला केक चाहिए? नहीं। मेरे घर में आ गई है। लो गोबर खाओ। I'm done with your this all things, okay? Insects, gobar, henna, tena. What the fuck? What was that? पहले बार गू खाया था और इस बार काउ का गू है। की शॉप बोले चले चेरा, हम तेरे को गोबर वाला केक खाया पिया जा रहा है,
खाना कंप्लीट होगा फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ही देर के बाद, देखते रहिए। One eternity later. वीडियो का इंट्रो है ना, इसको मैं काफी दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल इंट्रो है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी, तो मैंने उसको रीशूट किया है। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? देखा, सच्चा बताया ना। रुको जरा, सबर करो। इतना कुछ छोड़ के अभी ये मैडम जूता खाएगी। आज मैं अपनी हेटर की जो मांग है उसको बिल्कुल पूरा करूंगी। जूता से मार नहीं खाऊंगी, सीधा जूता को चबा के खा जाऊंगी। ये जूता वाला केक आपने देखा है? मतलब आज के बाद अगर मुझे कोई पूछेगा कि आपने जूता खाया है, बिल्कुल खाया है जूता। मुझे डायबिटीज हो जाएगा, माफ किया। बर्थडे पे रसगुल्ला खिलाते हैं, पानतुआ खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, उसे जूता खिला रही हूँ। इसे देख के हम लोगों को यही पता चलता है कि जूता खाने से मीठा मिलता है, तो कभी कभी जूता खा लिया करो, और खासकर खिला दिया करो जिसको देख के आपका जलता है। गाइस, घर आने के बाद सबसे पहले मैं अपनी मेकअप को रिमूव करके अपने स्किन केयर कर लूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी दो करंट फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड मामाअर्थ। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगी मामाअर्थ की टी ट्री फेस वॉश। ये फेस वॉश मेरी करंट फेवरेट है और आप काफ़ी सारे वीडियोस में मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए देखे हो। इस फेस वॉश के अंदर है टी ट्री ऑयल, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, लैवेंडर ऑयल एंड एलोवेरा। टी ट्री ऑयल के वजह से स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस इंप्रूव होता है। नीम एक्सट्रैक्ट रिड्यूसेस एक्ने एंड लैवेंडर के अरोमा के वजह से यू गेट अ सूदिंग इफेक्ट। एलोवेरा कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड। ये फेस वॉश एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है एंड साथ ही में डेवलपमेंट ऑफ न्यू एक्ने एंड पिंपल्स को भी रोकता है। ये स्किन को प्यूरीफाई करता है बाय रिमूविंग डर्ट फ्रॉम योर पोर्स, ऑयल एंड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम योर स्किन। इसके बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ, नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करूंगी मामाअर्थ की टी ट्री फेस मास्क। इस फेस मास्क के अंदर है टी ट्री ऑयल, सैलिसिलिक एसिड, उसके साथ साथ एलोवेरा और कैमोमाइल की गुण। ये एक्ने और पिंपल को रिड्यूस करने के साथ साथ एक्ने मार्क्स को भी प्रिवेंट करता है। इट कंट्रोल्स एक्सेस ऑयल एंड साथ ही में इट मिनिमाइजेस एनलार्ज्ड पोर्स। एलोवेरा के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के वजह से इट सूदेस योर स्किन एंड कैमोमाइल काम्स डाउन इरिटेड स्किन, लिविंग इट सॉफ्ट एंड स्मूथ। ये एक्सेस सीबम प्रोडक्शन भी रेगुलेट करता है। जैसे आप जानते हो मामाअर्थ हैज रिसेंटली टेकन अ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके चलते जब भी आप मामाअर्थ से कुछ परचेस करोगे वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देंगे अपने वेबसाइट में एक ट्री के साथ, जिसे वो लोग प्लांट करेंगे बाय द ईयर 2025। ट्री ऑथेंटिक है कि नहीं आप अपने ऑर्डर आईडी से ही ट्रैक कर सकते हो। साथ ही में गाइस, मामाअर्थ हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ऑफिशियल ऐप। iOS एंड द एंड्रॉइड लिंक ऑफ द ऐप विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जरूर ऐप को इंस्टॉल करें फॉर एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड डिस्काउंट। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हो तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय यूनिक कोड INFINITE2021। इस कोड को इस्तेमाल करने से इन मामाअर्थ वेबसाइट आपको मिल जाएगी 20% ऑफ, तो प्रोडक्ट काफी सस्ता पड़ेगा। प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ जरूर शेयर करिए। तो स्किन केयर तो हो चुका है गाइस, अभी चलते हैं रात के डिनर लेके आ जाते हैं। ब्लड में शुगर लेवल शायद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके वजह से मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है। रात को मैं खाने वाली हूँ एक स्पाइसी सा, यमी सा, टेस्टी सा बर्गर। आई नो मेरा चैलेंज फेल हो जाएगा, मतलब एक दिन के लिए, एक चैलेंज के लिए तो पायल देशमुख फेल हो ही सकता है, राइट? तो मैं लेके आ गई हूँ ये टेस्टी, डिलीशियस, ब्यूटिफुल और यमिलिशियस बर्गर। ये बर्गर देख के आपको भूख लग रहा है कि नहीं? तो चलो ये डिलीशियस बर्गर को खाते हैं। तुम्हें भी बर्गर चाहिए?
No. नहीं मेरे किस्मत में बर्गर नहीं केक लिखा है, वो भी इतना ज्यादा रियलिस्टिक केक मैंने लाइफ में नहीं देखा। क्या बोलूं गाइस, क्या क्या सपना देखा था मैंने। तीखा तीखा बर्गर खाऊंगी, चिकन पैटी को चबाऊंगी, चीज का मजा लूंगी, पर फिर से मुझे मीठा केक खाना पड़ रहा है। पर जो भी है ना, ये केक दिलचस्प। मुझे लगता है आज की जो बेकर जो भी केक्स बनाई है, जिसको लेके मैंने ये पूरा वीडियो को बनाया है, बेकर इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल रियलिस्टिक केक्स बनाने के लिए। केक केक ना रहा, बर्गर बर्गर ना रहा, जिंदगी में और मुझे भरोसा ना रहा, भरोसा ना रहा। खाती हूँ केक फिर से। वीडियो देख के मजा आया है तो जरूर वीडियो को एक ह्यूज थम्स अप दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शोना आपके सब्सक्रिप्शन के बिना 1 मिलियन तो दूर की बात है, 5 लाख भी हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ बहुत ही अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय।